नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 12th के नए सिलेबस 2019-2020, यानी जो बच्चे 2020 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो नया पैटर्न सीबीएसई ने डिसाइड किया है और वेबसाइट पर अपलोड किया है, उसके हिसाब से तैयारी करने के लिए वीडियो लेक्चर्स। ये लेक्चर्स कुछ अलग तरह के रहेंगे जो स्क्रीन बेस्ड रहेंगे, बेसिकली मेरी शक्ल आपको दिखाई इसमें नहीं देने वाली। सो लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग लेक्चर, लेक्चर नंबर 0। सो वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों। 12th क्लास सीबीएसई फिजिक्स की तैयारी हम शुरू करते हैं। साथ साथ में आप चलें, आपको जो है पूरा सपोर्ट मेरे चैनल पे मिलेगा और कंपटीशन ओरिएंटेड स्टडीज हमारी रहेंगी, जिसमें नीट, जेईई मेंस इनको भी बेसिक लेवल तक कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मायसेल्फ विवेक तापड़िया, फिजिक्स टीचर, टीचिंग सिंस 1992 इन कोटा राजस्थान। ये मेरा फोटो है 2008 के आसपास का, देन 2013 मैंने मूछ रख ली थी, फिर 2018। तो डिफरेंट लेक्चर्स जो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे वो इसी फॉर्मेट में होंगे। तो फिजिक्स हमें पढ़ना शुरू करना है, सब्जेक्ट फिजिक्स 11th क्लास में आप सीख करा, इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। डिफरेंट ब्रांचेस है फिजिक्स में, अलग अलग ब्रांचेस हम पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ी, वो पढ़ी आपने मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इनको आप पढ़कर आए क्लास 11th में। मैकेनिक्स जिसमें पूरा मोशन इन 1D, 2D, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये सब आया। थर्मोडायनेमिक्स में आपने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ केमिस्ट्री में आता है, तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ आपने पढ़े। ऑसिलेशन एंड वेव्स, वाइब्रेशंस, SHM वगैरह आपने पढ़ा, तो ये सब आपने पढ़े थे क्लास 11 में। क्लास 12th में जो फिजिक्स के ब्रांचेस आप पढ़ने वाले हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि क्लास 11th में जो आपने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा और कैलकुलस जो पढ़ी, एलिमेंट्री लेवल की कैलकुलस, ये दोनों मैथमेटिकल टूल्स कह सकते हैं हम इनको, वेक्टर्स एंड कैलकुलस, बच्चों ये क्लास 12th में आपके बहुत काम आने वाले हैं, तो उनका रिवीजन आप जरूर से कर लें। चाहे तो मेरे चैनल पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कर लें या अपनी बुक्स के थ्रू कर लें, अपने पुराने नोट्स के थ्रू कर लें, कैसे भी उनको एक बार पेज पलट कर देख लें, वेक्टर्स को और कैलकुलस को। 12th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लगभग आधा सिलेबस, या आप कह सकते हैं आधा सिलेबस जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, 4 यूनिट बेस्ड है इस पर, कुल मिलाकर 9 यूनिट्स सेशन 2019-20 में आपके हैं। ऑप्टिक्स प्लस EMW सेकेंड पार्ट हो गया एंड द थर्ड पार्ट इज मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स वो सारी की सारी फिजिक्स है जो 19th सेंचुरी के बाद डेवलप हुई है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट ईयर तक मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर हुआ करता था कम्युनिकेशन सिस्टम्स, तो बच्चों वो इस साल से सीबीएसई से हटा दिया गया है, बाकी बोर्ड्स में अभी भी वो मौजूद है। तो ये हुआ 12th क्लास में जो फिजिक्स की ब्रांचेस हमको पढ़नी है वो। इस सारी पढ़ाई के लिए हमारी जरूरत क्या है वो समझ लें, तो तुम्हें चाहिए एक मीडियम साइज रजिस्टर। अगर इंस्ट्रक्शन को एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो पूरी फिजिक्स एक मीडियम साइज रजिस्टर में हम भर सकते हैं। कंसेप्ट सिंपल सा है, एक नारा पकड़ लो, कम लिखेंगे तो कम लिखा है, तो जब रिवाइज करेंगे तो कम ही पढ़ेंगे, पढ़ना भी कम पड़ेगा पर पूरा समझेंगे, समझ में पूरा आएगा बच्चों। कैसे? हम शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, मैं आगे के लेक्चर्स के दौरान आपको सिखाऊंगा। आपको चाहिए एनसीईआरटी बुक पार्ट 1 एंड पार्ट 2,
ये बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। 2008 के बाद का कोई भी एडिशन पर्पस सॉल्व करेगा, पर दिमाग में ये बात बैठा लें कि एनसीईआरटी बुक जो है वो एक बुक है, वो आपका सिलेबस नहीं है। यानी एनसीईआरटी बुक में जो आपका सिलेबस है उससे कुछ ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आर्टिकल एनसीईआरटी में हो पर आपको उसे छोड़ना हो, तैयार ना करना हो। तो लेक्चर्स के दौरान मैं आपको बताने वाला हूं क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इसके अलावा और जो चाहिए वो चाहिए योर फुल अटेंशन इन क्लास टू एंजॉय इट। तो बच्चों कमर की पेटी कस लो, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, किसी भी करिकुलम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले सिलेबस जानना जरूरी है। तो आपका जो 12th CBSE वाला पार्ट है, थियोरी 70 मार्क्स, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, 3 घंटे का थियोरी का पेपर आपका होगा। तो क्लास 12th में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा उसको समझ लें हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट नंबर 1 है उसमें 2 चैप्टर कंटेंट है, एनसीईआरटी खोलकर आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर मैटर नहीं करते हैं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये कंप्लीट होगा। मार्क्स जो है 16 मार्क्स कंबाइंड वेटेज है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों मिलाकर इस साल से 16 मार्क्स है। लास्ट ईयर ये 15 मार्क्स का हुआ करता था, इस साल बढ़ाकर 16 नंबर, क्योंकि एक यूनिट हटा दी गई तो उसका एक नंबर इधर एडजस्ट किया गया है। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड 8 मार्क्स फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। देन यूनिट नंबर 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में फिर से 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और यूनिट 3 और 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर 6 EMI, चैप्टर 7 AC, मिलाकर 17 मार्क्स है। यूनिट नंबर 5 EMW एंड यूनिट नंबर 6 जिसमें चैप्टर नंबर 8 आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चैप्टर 9 आ गया रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 10 आ गया वेव ऑप्टिक्स, मिलाकर 18 मार्क्स। तो याद रखना आसान है बच्चों, 16 17 18 दो दो यूनिट का कंबाइंड वेटेज। इसमें मैं स्पेशली कमेंट करना चाहूंगा ऑप्टिक्स में जो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है चैप्टर नंबर 9, ये बच्चों 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया है एंड सेम रिपीट हो गया है 12th में। गलती से हुआ, इंटेंशनली हुआ नहीं कह सकते, पर आपके सिलेबस में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोबारा से है, यानी जो आप 11th में पढ़ के आए हो सेम चैप्टर आपको 12th में दोबारा से पढ़ना है। क्लियर? अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस यूनिट नंबर 7 में एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और इसके साथ कंबाइंड किया गया है यूनिट नंबर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई का वेटेज, जिसमें 2 चैप्टर हैं एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो 12 मार्क्स इन दोनों यूनिट को मिलाकर असाइन किए गए। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान सकते हैं कि 5 एंड 7 ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका रहेगा। तो 12 नंबर है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर एटम्स एंड न्यूक्लियाई, कुल मिलाकर ये 3 चैप्टर। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा भी मान सकते हैं 4 4 4, ऐसा भी मान सकते हैं आप 4 4 4 मान लीजिए। लगभग 4 नंबर के सवाल अभी तक आया करते थे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में से, तो एटम्स में से भी 4 नंबर और न्यूक्लियर में से भी 4 नंबर, कुल मिलाकर हम बोलेंगे ये मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है इसका वेटेज बढ़ गया। इसमें 3 यूनिट हम देख रहे हैं, यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये बिल्कुल नया है आपके लिए, क्लास 12 से पहले आपने इसको कहीं नहीं पढ़ा। यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियाई आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं, यूनिट 9 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके लिए नया है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं तो कहूंगा पूरी फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो 70 मार्क्स का ये पूरा थ्योरी का पेपर, इंडिविजुअल वेटेज हमने देखा।
याद करना आसान है। 16 पहली दो यूनिट, 17 अगली दो यूनिट 3 एंड 4, यूनिट नंबर 5 एंड 6 18, देन 8 एंड 7 एंड 8 12, और यूनिट नंबर 9 7 मार्क्स, इस तरह से 17 नंबर। प्रैक्टिकल की बात करें, बचे हुए 30 नंबर हैं प्रैक्टिकल के। दो एक्सपेरिमेंट्स आपको हर सेक्शन में से करने होंगे, दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, 8-8 नंबर के दो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा, एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज 6 मार्क्स, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट 3 मार्क्स, वाइव ऑन एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट 5 मार्क्स, इस तरह से कुल मिलाकर 30 नंबर। सेशन 2019-20 के लिए क्वेश्चन पेपर का डिजाइन अगर हम देखें क्लास 12th के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। रिमेम्बरिंग जो आप रट लेते हैं, याद कर लेते हैं फॉर्मूले वगैरह, एग्जिबिट मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आंसर्स, उसका वेटेज रहेगा 12%। 12% क्वेश्चंस इस पर बेस्ड होंगे। देन सेकेंड कैटेगरी है अंडरस्टैंडिंग, डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, जो कुछ आपने सीखा है आइडियाज, और उनको ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। कंपैरिजन वाले क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, जैसे कंपेयर करने आपको दो फिनोमेना, ट्रांसलेटिंग इंटरप्रेटिंग, जो कुछ दिया है उसको इंटरप्रेट करना, गिविंग डिस्क्रिप्शंस, डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आ जाते हैं, एंड स्टेटिंग मेन आइडियाज, उसके लिए आपको 30% वेटेज मिलेगा, यानी क्वेश्चन जो आएंगे लगभग 30% उनका वेटेज रहेगा इस हेड के अंदर। देन थर्ड कैटेगरी है अप्लाइंग, सॉल्व प्रॉब्लम टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, जो कुछ आपने सीखा उस नॉलेज को यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है नई सिचुएशंस में, न्यूमेरिकल पार्ट आ गया, फैक्ट्स टेक्निक्स एंड रूल्स इन ए डिफरेंट वे, 33%, यानी अभी तक तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा वेटेज एप्लीकेशन पार्ट का है। तो दिस इज एप्लीकेशन पार्ट, जो कुछ आपने सीखा उसको आप कितना होशियारी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, उसके मार्क्स 33%। देन चौथी कैटेगरी है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग, एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, मेक इन्फ्रेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन, जस्टिफिकेशंस आपको इसमें देने होंगे। 20% वेटेज रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस का, जिसमें आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए, डिफेंड ओपिनियंस बाय मेकिंग जजमेंट्स अबाउट इंफॉर्मेशन, वैलिडिटी ऑफ आइडियाज और क्वालिटी ऑफ वर्क बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ क्राइटेरिया। सो दिस इज कैटेगरी नंबर 4। देन फाइनली फिफ्थ कैटेगरी जिसका वेटेज 5% है, वो है क्रिएटिंग, यानी आपको इंफॉर्मेशन कंपाइल करनी है अलग तरीके से, एलिमेंट्स को कंबाइन करके नए पैटर्न में और अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करने हैं, इसका वेटेज रहेगा 5%। इस तरह से टोटल 100% बनता है 70 मार्क्स को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि एक नंबर के 20 सवाल आपको मिलने वाले हैं, सेकंड कॉलम में दिखाई दे रहा है आपको, एक नंबर के 20 सवाल, दो नंबर के 7 सवाल आपको मिलने वाले हैं, 3 नंबर के 7 सवाल, 3 × 7, तो ये 21 नंबर हुआ। 3 नंबर के आपको 5 नंबर के 3 सवाल मिलने वाले हैं, 15 नंबर ये हुआ, इस तरह से 70 हुआ। तो यहां ऑफसेट हो गए ये मार्क्स 4 और 1, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21। तो एक एक नंबर के 20 सवाल, दो नंबर के 7 सवाल, 3 नंबर के 7 सवाल और 5 नंबर के 3 सवाल, ये है आपके पेपर का पैटर्न। आगे चलते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स ये रहेगा आपके लिए। इंस्ट्रक्शंस है इंटरनल चॉइस, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन द पेपर, ऐसा कुछ नहीं होगा कि 5 में से 2 क्वेश्चन या 5 में से 3 सवाल करने, पर देयर विल बी एटलीस्ट 33% ऑफ इंटरनल चॉइस। ऑप्शन लगा आएगा, दो नंबर के, एक नंबर के कुछ सवालों में आपको चॉइस मिलेगी, दो नंबर के कुछ सवालों में चॉइस मिलेगी, तीन नंबर में ऐसे, पांच नंबर के हर सवाल में आपको चॉइस मिलेगी, और के ऑप्शन के साथ
क्वेश्चन आएगा, तो ये हम सैंपल पेपर में देखेंगे जब बोर्ड इशू करेगा एग्जैक्टली किस तरह से चॉइस मिलेगी। ये तो तय है कि 5 नंबर के तीनों सवाल में आपको चॉइस मिलेगी, 3 नंबर के एक सवाल में मिलती है, 2 सवाल में 7 में से 1 सवाल में डेफिनेटली मिलेगी, ऐसे 2 नंबर के 1 सवाल में आपको डेफिनेटली चॉइस मिलेगी। 2 नंबर के कितने सवालों में चॉइस मिलती है हम सैंपल पेपर में पैटर्न देखेंगे। द अबोव टेम्पलेट जो ऊपर आपने देखा इज ओनली ए सैंपल, वहां जब दे रखा था कि इस यूनिट में से इतने, तो वो एक सैंपल है, क्लियर कर रहे हैं सीबीएसई से बोर्ड वाले। आप ये ना समझे कि हाँ वहां लिखा है तो एग्जैक्टली उस यूनिट में से वही क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का जिसमें लिखा है उसमें 5 नंबर का ही आएगा, 3 नंबर का जिसमें लिखा है 3 नंबर का आएगा, ये जरूरी नहीं है। सुटेबल इंटरनल वेरिएशंस ये तो जरूरी है, तो तय है कि जितनी यूनिट में, जैसे पहली 2 यूनिट मिलाकर वेटेज कितना है 16 नंबर, वो तय है, पर इंटरनल वेरिएशन मे बी मेड फॉर जनरेटिंग सिमिलर टेम्पलेट्स कीपिंग द ओवरऑल वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस सेम। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर आपके पेपर का। सिलेबस की बात करें यूनिट 1 जहां से हमें शुरू करना है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हम पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस पढ़ेंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों मेरा सजेशन है सिलेबस आपको लिख कर लगा लेना चाहिए अपने स्टडी टेबल के सामने, जब तक ये चैप्टर चल रहा है आपकी रोज इस पे नजर पड़े, आप इसको एक बार दोहरा लें तो सिलेबस के सारे पॉइंट्स टिप पर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस थ्योरम, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, डेफिनेट क्वेश्चन आता है एंड इट्स एप्लीकेशंस। टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इन फाइनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, इनसाइड एंड आउटसाइड आपको फील्ड निकालना है। तो ये सिलेबस की बात हुई। चैप्टर 2 जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी इसको नहीं बोल के बता रहा, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करते जाएंगे। लेट्स गेट फैमिलियर विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेज इन योर रजिस्टर, इससे फैमिलियर हो जाए, ऐसा आपका कॉपी का पेज नजर आता है जिसमें टॉप में ये जो मार्जिन है, ऊपर का हाशिया मार्जिन, इसको कहते हैं हेडर और टॉप मार्जिन, ऐसे जो नीचे जगह है उसको कहते हैं फुटर और बॉटम मार्जिन। बच्चों हम इन दोनों ही हिस्सों का पूरा उपयोग करने वाले हैं लिखते वक्त। राइट हैंड साइड में एक लाइन खींचकर आप मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस साइड, जो कुछ भी आप मेन में लिख रहे हैं उससे रिलेटेड रेफरेंस हम यहां लिख सकते हैं। आपको डेट लगानी है एप्रोप्रिएट प्लेस पर और लेक्चर नंबर हमेशा मेंशन करना है जब आप नोट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंस्ट्रक्शन, ओपन योर कॉपी एंड मार्क द डेट। सबसे पहले आप तारीख लगाएं, रजिस्टर खोलें 6/5/2019, लेक्चर नंबर लगाएं, यह है लेक्चर नंबर 0 रेफरेंस के लिए, इसी रेफरेंस पर हम चलेंगे। हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका वेटेज है 8 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी इट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट पर है। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो स्टेडी स्टेट ऑफ चार्ज को डील करती है। तो आपको लिखना क्या है, लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस पढ़ेंगे, फील्ड्स, फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबकी एक एक इमेज मैं आपको दूंगा, जैसे आप ये नाम सुनेंगे वो इमेज माइंड में क्लिक करेगी, एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, ये सब हमको पढ़ना है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं जो ब्लू बैकग्राउंड में है, इन सेंटेंसेस को आपको रजिस्टर में लिखना है बस, बाकी सब सपोर्टिंग है, सुनना है समझना है। लिखना क्या है, जिसका ब्लू बैकग्राउंड है या स्पेशली मैं कुछ बोलकर आपको लिखा रहा हूं वो लिखना है, बाकी और कुछ आपको नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है समझना है, खुद पर भरोसा करना है कि आपको याद हो जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं, फंडामेंटल लॉ, हेडिंग इज फंडामेंटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल लॉ है उसे आप लिखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल, व्हाइल लिखकर छोड़ दीजिए, आपका दिमाग खुद बता रहा है आपको आगे का स्टेटमेंट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मैग्नेट्स के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है, नॉर्थ नॉर्थ को
रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, जैसा मैग्नेट में होता है वैसे ही चार्जेस में होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। गुब्बारा दीवार पर इसलिए चिपक जाता है क्योंकि गुब्बारे के पास नेगेटिव चार्ज होता है, जब उसे दीवार के पास लेके जाते हैं दीवार में से इलेक्ट्रॉन्स दूर चले जाते हैं, दीवार पे पास में रह जाता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन की वजह से गुब्बारा दीवार पे चिपक जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और अच्छे से समझने के लिए हम इसकी एप्लीकेशंस पर गौर करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है, इसलिए नहीं कि सब्जेक्ट का पार्ट है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि फिजिक्स जो हमारी लाइफ से लिंक्ड है, जिंदगी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो फिजिक्स में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो पूरी जिंदगी काम आने वाला है। तो एप्लीकेशंस पे गौर करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नॉलेज जो फंडामेंटल लॉ है हम कहां कहां यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं फ्लाई ऐश कलेक्शन इन चिमनीज, इन थर्मल पावर प्लांट्स, जो चिमनी आपने देखी है इसमें जब कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है तो धुआं चिमनी से निकलता, धुएं के साथ साथ राख के पार्टिकल भी निकलते हैं। तो एक डिवाइस जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसमें हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स धुएं के जो साथ निकलने वाले डस्ट के पार्टिकल हैं, फाइन डस्ट, एयर फ्रिक्शन की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और अट्रैक्ट होकर इन इलेक्ट्रोड्स पर रुक जाते हैं। तो ये डिवाइस कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। देन फोटोकॉपिंग में, जैसे कि हम जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो फोटोकॉपी में एक ड्रम होता है जिस पर टोनर इनके पार्टिकल लगे होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और पेपर पे जहां इमेज बननी होती है वहां से वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो पेपर जब उस ड्रम पे घूमता है तो नेगेटिवली चार्ज टोनर यानी इंक के पार्टिकल पेपर के उसी जगह पर चिपकते हैं जहां से वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसी तरह से लेजर प्रिंटर काम करता है, इंकजेट प्रिंटर, और इस तरह से स्प्रे पेंटिंग में हम आर्टिकल जिस पर पेंट करना है उसे पॉजिटिवली चार्ज करके नेगेटिवली चार्ज पेंट को उस पर स्प्रे करते हैं तो वहीं जाकर वो चिपकता है, इधर उधर नहीं फैलता है। तो इन सभी एप्लीकेशंस में हमने यूज किया फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर वान डे ग्राफ जनरेटर, अगर आपने देखा है ये डिवाइस है वान डे ग्राफ जनरेटर, अम्यूजमेंट पार्क्स में मनोरंजन के लिए वान डे ग्राफ जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप समझ सकते हैं कि अगर इस मेटल के डोम पर बहुत ही हाई पोटेंशियल डेवलप हो गया है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि बहुत सारा चार्ज इस पर इकट्ठा हो गया, चार्ज इकट्ठा करने के लिए इधर मैकेनिज्म आप देख पा रहे हैं, एक डीसी जनरेटर से इसको सप्लाई दी जाती है, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर मेटल के स्पाइक्स यहाँ पर यानी नुकीले किनारे हैं, यहां से चार्ज ट्रांसफर होता है इंसुलेटिंग बेल्ट को और ये चार्ज ऊपर वाला कॉम बी जो है वो ट्रांसफर कर देता है मेटल के डोम को, डोम पर चार्ज बिल्टअप होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है, और अगर अपने आप को इंसुलेट करके कोई डोम पर हाथ लगाएगा तो उसकी पूरी बॉडी पर सेम नेचर का चार्ज आ जाएगा एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसका नतीजा आप देख रहे हैं ये बाल जो है सभी बालों पर एक ही जैसा चार्ज आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और इसको देखकर दूसरे लोगों का मनोरंजन होता है। तो चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज पर चलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे चार्ज होता क्या है, चार्ज की डेफिनेशन लिखिए बच्चों, इट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल एंड अदर इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मैटर, ये आपको लिखना है। और मेरा सजेशन है शॉर्ट फॉर्म यूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल चार्ज सिर्फ एक ही वर्ड CHARGE, चार्ज को पूरी फिजिक्स में अगर हम शॉर्ट फॉर्म CH डॉट से दिखाएं लिखने के दौरान तो आपके रजिस्टर के 25 पेज कम भरेंगे, क्योंकि 9 की 9 यूनिट में चार्ज इतनी बार रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। तो मेरा सजेशन है CH डॉट से दिखाएं चार्ज को। तो चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स सामने आते हैं, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, चार्ज ऑब्जेक्ट्स के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज का असर है। चार्ज कितनी तरह का होता है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपको याद होगा फेमस पतंग उड़ाने वाला एक्सपेरिमेंट किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने,
आसमान से बिजली को अर्थ पे लाना चाहते थे। आज भी हमें सफलता नहीं मिली क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी है अमाउंट में इतनी ज्यादा है कि हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव द कन्वेंशन दैट व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद अ सिल्क क्लॉथ देन द चार्ज व्हिच अपीयर्स ऑन ग्लास रॉड इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हाइल दैट ऑन सिल्क क्लॉथ इज सेड टू बी नेगेटिव। The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge. आपको पेज के टॉप मार्जिन में स्टार मार्क करके लिखना है, यानी हेडर पर, the property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge. ये टॉप मार्जिन में लिखें। और मेन में आपको लिखना है टाइप्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन gave the convention that when we rub a glass rod with a silk cloth, then the charge, short form use karein, CH dot, which appears on glass rod is said to be positive, while that on silk cloth is said to be negative. तो इस तरह से हमें समझ में आया charge दो तरह का, एक positive, दूसरा negative. तो कुल मिला के दो तरह का charge होता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो कन्वेंशन दिया था, ग्लास रॉड पर जिस नेचर का चार्ज आएगा उसको उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे जिस नेचर का आएगा उसको नाम दिया नेगेटिव। तो अब ग्लास रॉड जिन जिन को रिपेल करेगा हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज है, और सिल्क क्लॉथ जिन जिन को रिपेल करेगा हम बोलेंगे वो सब नेगेटिवली चार्ज है। साइंटिस्ट ने ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स को आपस में रगड़ कर देखा किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आ रहा है, और उनको अरेंज किया इन फॉर्म ऑफ ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। बच्चों इस सिलेबस में नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। हाँ, इतना समझ लीजिए कि यहाँ जो सीक्वेंस आप देख रहे हैं, मान लो ग्लास को आपने नायलॉन से रब किया तो ग्लास पर पॉजिटिव, नायलॉन पर नेगेटिव आएगा, और अगर इसी नायलॉन को आप एल्यूमिनियम के साथ रब करते हैं तो नायलॉन पर पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पर नेगेटिव आएगा, एंड सो। तो इस सीरीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव आएगा। कंसेप्ट यहां पर नोट कीजिए फिर से पेज के हेडर पर, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। सिमिलरली हम स्टेटमेंट दे सकते हैं मैग्नेटिज्म के लिए, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या अर्थ है? कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है या नहीं हुआ है इसका पता चलता है अगर वो नोन, जो हमें पहले से पता है, नोन चार्ज ऑब्जेक्ट को रिपेल कर रहा है। इफ इट रिपेल्स ए नोन चार्ज ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं वो चार्ज है। इसी तरह से कोई सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया कि नहीं हो गया इसका पता भी ऐसे ही चलेगा। अगर अट्रैक्शन है तो हो सकता है एक मैग्नेट दूसरा लोहा हो, पर रिपल्शन है तो डेफिनेटली दोनों ही होंगे मैग्नेट्स। नेक्स्ट हम सीखेंगे चार्ज को कैसे डिटेक्ट करना है, चार्ज की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इंस्ट्रूमेंट ये देख पा रहे हैं, ये बना भी सकते हैं, एनसीईआरटी में इसको बनाने का तरीका एक्सप्लेन किया गया है। हाँ, गोल्ड फॉइल या लीव्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, जैसे सोने का वर्क होता है ऐसे चांदी का वर्क होता है, आप सिल्वर फॉइल यूज कर सकते हैं। अगर उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से टूट जाती है, तो आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज करके इसे बना सकते हैं। सेंसिटिविटी कम होती चली जाएगी जैसे जैसे वजन बढ़ता चला जाएगा, एमजी का इफेक्ट पिक्चर में आएगा, पर बनाया जा सकता है ये इंस्ट्रूमेंट, मैंने बनाकर देखा हुआ है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जब हम चार्ज देंगे मेटल की नॉब को टच करके कंडक्शन के थ्रू या दूर से, अपोजिट नेचर का चार्ज खींच कर आएगा तो लीफ पर दोनों साइड आप देखोगे सेम नेचर का चार्ज आने से ये लीफ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर इस फंडामेंटल लॉ पर काम करेगी और डाइवर्ज हो जाएगी, इसके बीच में गैप प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस को नापकर ये डाइवर्जेंस का अमाउंट देखकर चार्ज की प्रेजेंस क्वालिटेटिवली गुणात्मक रूप से कम है कि ज्यादा है ये हम पता लगा सकते हैं। दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं वाटर में से,
इलेक्ट्रिसिटी पास करके, जो कि बेस्ड है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर। जो आप दो लॉ पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, एम इक्वल टू जेड आई टी, अगर मुझे सब्सटेंस का जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पता है तो मैं नाप सकता हूं चार्ज को, क्योंकि क्यू होता है आई टी। तो डिपोजिशन करने के बाद मास अगर मैंने नाप लिया, मान लो कॉपर वोल्टामीटर है, लोहे की कील है, उस पर कॉपर की प्लेटिंग करनी है, लोहे की कील का वजन कर लिया प्लेटिंग करने से पहले और वजन कर लिया प्लेटिंग करने के बाद, माना कि मास एम डिपोजिट हुआ करंट आई टी टाइम तक पास करने पर, करंट नाप लेंगे अमीटर से और टाइम टी नाप लेंगे स्टॉपवॉच से, जेड की वैल्यू हमारे पास है ही सही। एक तो आई और टी नाप लिया तो क्यू डायरेक्टली पता चल रहा है, और नहीं तो एम नाप लिया आपने, जेड आपके पास है, तो आपको आई टी की वैल्यू यानी जेड, क्यू भी हम इसको कह सकते हैं फॉर्मूले को, क्यू की वैल्यू डायरेक्टली यहां से निकल के आएगी। तो न्यूमेरिकल टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से चार्ज को। और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मॉडिफाइड डिजाइन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कह सकते हैं हम, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से डिग्री में यहाँ पे वेरिएशन आएगा, ये जो आर्म है मूव करेगी चार्ज इस मेटल स्फीयर को देने पर, तो क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं अमाउंट में कि चार्ज कितना है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, नाम सुनना ही काफी है, नोट करने की जरूरत नहीं है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, जैसे इस कॉइल में करंट पास करते हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, जो कॉइल का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है करंट की वजह से, दोनों में इंटरेक्शन से कॉइल एकदम से घूमती है, तो इस सस्पेंशन फाइबर पे लगा हुआ मिरर जिस पर कि लाइट सोर्स से लाइट जा रही है, इस लाइट का रिफ्लेक्शन यानी चल का इस स्केल पर मूव करता है एकदम से, जिसको हम कहेंगे सर्ज। और इस सर्ज को नापकर, अंग्रेजी का शब्द है सर्ज, इससे आप फैमिलियर हो सकते हैं, डिक्शनरी में मीनिंग देख सकते हैं, तो अचानक से आया हुआ जो डिफ्लेक्शन है उसको नापकर, सर्ज को नापकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चार्ज हमने दिया जिसकी वजह से करंट फ्लो है वो चार्ज कितना है। बच्चों थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर 1 से रेफरेंस लेता हूं मैं, वहां थे आपके कंजर्वेशन लॉज, जिसमें था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने सीखा चार्ज क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या इफेक्ट्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। फिर हमने सीखा चार्ज दो तरह का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर हमने सीखा चार्ज को डिटेक्ट करना है तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इंस्ट्रूमेंट, जिसके बारे में आपको जानना है, जिसका नाम याद रखना है। फिर चार्ज को एग्जिस्टेंस में कैसे लाना है वो मेथड्स हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो मैं कहूंगा कि कंजर्वेशन लॉ जो क्लास 11 में पढ़ा था उसे याद कर लें, एक बार दोहरा लें, चार्ज के नाइदर बी क्रिएटेड, बना नहीं सकते उसको, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, खत्म भी नहीं कर सकते। पर साथ में एक वर्ड और जुड़ा, इन आइसोलेशन, यानी इसका मतलब यह है कि खाली पॉजिटिव नहीं बना सकते, खाली नेगेटिव डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज होगा, या जितना पॉजिटिव आप बनाएंगे उतना ही नेगेटिव भी बनेगा। हाँ, चार्ज आप ट्रांसफर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। तो हम बोलेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं चार्ज को एग्जिस्टेंस में लाने, क्योंकि चार्ज को क्रिएट तो कर नहीं सकते, तो मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्ज हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। तो कौन कौन से मेथड्स हैं चार्ज को एग्जिस्टेंस में लाने के, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो फ्रिक्शन। हमारा जनरल ऑब्जर्वेशन है रोजमर्रा का कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है, उनके बीच फ्रिक्शन होता है, तो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर हो जाते हैं, बिकॉज उनको वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाती है, हीट मिल जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन, तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, उसका मास बढ़ जाता है और वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। तो फ्रिक्शन से चार्ज ट्रांसफर होता है। उसके अलावा दो मेथड और हैं, कंडक्शन इंडक्शन, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन में आपको तीन एग्जांपल याद रखने हैं कि किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैंने ग्लास रॉड को रगड़ा सिल्क के कपड़े से, तो ग्लास रॉड गेट पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल सिल्क क्लॉथ गेट नेगेटिवली चार्ज।
पर अगर मैं कैट्स फॉर बिल्ली की खाल को रगड़ता हूँ एबोनाइट या अंबर, बच्चों एबोनाइट या अंबर जो ट्री एक्सट्रैक्ट हैं, पेड़ों से प्राप्त पदार्थ हैं, जैसे गोंद हमें पेड़ों से मिलता है वैसे एबोनाइट या अंबर भी पेड़ों से मिलता है। तो बिल्ली की खाल पर, ये आपको नोट करना है, टेबल के फॉर्म में नोट करें, बिल्ली की खाल पर आएगा पॉजिटिव यानी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, एबोनाइट या अंबर पे आएगा नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर मैंने वूल को रगड़ा, ऊन को प्लास्टिक से या पॉलिथीन से, तो वूल गेट पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, प्लास्टिक गेट नेगेटिवली चार्ज। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, बताएं चार्ज ग्लास रॉड को चार्ज प्लास्टिक रॉड के पास लाने पर, यानी अलग अलग सब्सटेंस से रगड़ के हमने उनको चार्ज किया, सपोज ग्लास रॉड को हमने सिल्क क्लॉथ से रगड़ा, वूल को प्लास्टिक रॉड से रगड़ा, तो इन दोनों रॉड्स को अगर पास लाएंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन? तो मैं समझता हूं आप जवाब दे सकते हैं, तो सभी का जवाब सेम है, अट्रैक्शन, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं बच्चों, व्हाई मेटालिक रोप्स आर अटैच्ड एट द बैक ऑफ ट्रक्स एंड टैंकर्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। जो भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं टैंकर्स, उनके पीछे यहां आप देख रहे हैं एंटी स्टैटिक स्ट्रिप, या ऐसे ही ये कुछ चेन्स लटका देते हैं जो सड़क से रगड़ खाते हुए चलती है लगभग अर्थ के कॉन्टेक्ट में, जिससे कि ड्यूरिंग मोशन एयर फ्रिक्शन की वजह से जो कुछ भी चार्ज इनकी बॉडी पर डेवलप हो गया है वो अर्थ में जाते वक्त स्पार्किंग क्रिएट ना करें, स्मूथली अर्थ को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि अगर यहां स्पार्किंग हुई तो आप जानते हो क्या होगा, स्वाहा हो जाएगा सब कुछ। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है और एग्जाम में पूछा भी जाता गया है। हालांकि आजकल ऐसी चेन्स या एंटी स्टैटिक स्ट्रिप कम ही देखने को मिलती है, बिकॉज चांसेस आर रेयर, बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि उतना चार्ज डेवलप हो सके। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई स्पेशल टायर्स फॉर एन एयरक्राफ्ट आर मेड फ्रॉम स्लाइटली कंडक्टिंग रबर। बच्चों ड्यूरिंग मोशन एरोप्लेन की बॉडी पर भी, एरोप्लेन तो बहुत तेज चलता है आपको पता है कितना तेज, तो फिजिक्स में बहुत तेज बोलना सफिशिएंट नहीं है, आपको न्यूमेरिकल डेटा देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं 1800 किलोमीटर पर आवर जेट प्लेन, तो 1800 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो आया 500 मीटर पर सेकंड। साउंड की स्पीड रूम टेम्परेचर पर 350 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, तो 500 मीटर पर सेकंड है उससे भी ज्यादा। तो साउंड से भी तेज अगर कोई चल रहा है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, तो जेट सुपरसोनिक जेट बहुत तेज चलते हैं, जितना तेज चलेंगे उनकी बॉडी पर एयर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होगा। अब वो चार्ज अगर जम करके जाएगा अर्थ में तो स्पार्किंग होगी, हम नहीं चाहते स्पार्किंग, तो हम क्या करते हैं इनके जो रबर के टायर हैं इसको बनाते वक्त इनमें कुछ कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि ग्रेफाइट मिक्स कर देते हैं, जिससे कि चार्ज स्मूथली ट्रांसफर हो जाए। तो जब भी एरोप्लेन लैंड करेगा, लैंड करते वक्त आप देख सकते हैं कि रनवे और टायर्स के बीच जबरदस्त स्पार्किंग हो, और उसका कारण क्या है, चार्ज, स्टैटिक चार्ज। सेकेंड मेथड है बच्चों चार्ज को ट्रांसफर करने का, कंडक्शन, तो हेडिंग लगाएंगे सेकेंड कंडक्शन, लैंग्वेज में लिखना भी है, व्हेन वी कनेक्ट वन बॉडी With another, पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए ये बॉडी कंडक्टर भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है, कोई कंपल्शन नहीं है कि कंडक्टर ही हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी चार्ज, दोनों में से कम किसी एक के पास चार्ज होना चाहिए, दोनों के पास भी हो सकता है, यूजिंग सम कंडक्टिंग मीडियम, पर जोड़ने के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे तांबे का तार या कोई कंडक्टिंग मीडियम, देन ऐसा करने पर क्या होगा, सम ऑफ द चार्ज From one body, एक बॉडी से कुछ चार्ज get transferred to the other through the process, जिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होगा उसका नाम है कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा। जैसा आप यहां देख रहे हैं ये चाबी जो है मेटल की बनी है तो इसमें कंडक्शन हो रहा है, तो बल्ब जल जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा, तो चाबी के थ्रू कंडक्शन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, तो चाबी किसकी बनी हुई है, कंडक्टर की, ऐसा हम कह सकते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, किताबों में भी कुछ जगह गलत लिखा है, बोलते हैं कि कंडक्टर ही होने चाहिए जिनके बीच कंडक्शन हो रहा है, नॉट नेसेसरी,
सिर्फ इतना सा अंतर है कि अगर वो इंसुलेटिंग बॉडी है, जैसे कि गुब्बारा, उसका रबर इंसुलेटर, आपने बालों से रगड़ के उसको चार्ज किया, जब आप दीवार पर चिपका रहे हैं वो चिपक रहा है, अब क्या करें, आप उस सरफेस को अपने गाल पर, माथे पर लगाएं और फिर दोबारा चिपकाने की कोशिश करें, अब नहीं चिपकेगा। रीजन, आपकी बॉडी है गुड कंडक्टर, इसलिए हमें करंट लगता है। आप जमीन पे खड़े थे, गुब्बारे को जब आपने लगाया माथे से या गाल से, तो गुब्बारे का चार्ज लोकल एक्शन के थ्रू, लोकल एक्शन एक टर्म मैंने यूज किया यहाँ पे। रीजन, अगर गुब्बारे को आप रिवर्स करके उल्टा करके चिपकाएंगे, जिधर से रगड़ा है उधर से नहीं दूसरी तरफ से, तो गुब्बारा नहीं चिपकेगा दीवार पर, क्योंकि जितने भी इंसुलेटर है उन पर चार्ज आता भी लोकली है, जहां से रगड़ेंगे वहीं पर आएगा, जहां देंगे वहीं पर रहेगा, जाता भी लोकली है, जबकि जितने भी कंडक्टर्स हैं उन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी सरफेस पर। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो मैं वायर टच कर रहा हूं दो बॉडीज के बीच में, तो वायर जहां कॉन्टेक्ट में होगा, अगर बॉडीज इंसुलेटर है तो सिर्फ कॉन्टेक्ट पॉइंट का चार्ज ही ट्रांसफर होगा, आसपास का चार्ज नहीं, लोकली जाएगा इंसुलेटर है तो। पर अगर ये कंडक्टर है तो चार्ज पूरी बॉडी का अफेक्ट होगा, पर चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे कंडक्टर, इस प्रोसेस को हम कंडक्शन कहेंगे जिसके थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो बीच का मीडियम मैटर कर रहा है, बीच का मीडियम अगर कंडक्टिंग है तो बोलेंगे कंडक्शन हुआ, बीच का मीडियम अगर इंसुलेटर है तो बोलेंगे कंडक्शन नहीं हुआ। क्वेश्चन करते हैं बच्चों से क्लैरिटी आएगी। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स, दोनों कंडक्टर्स हैं ए एंड बी, ईच हैव ए चार्ज क्यू। नाउ अनदर सिमिलर न्यूट्रल स्फीयर सी, वैसा ही मेटल का है पर न्यूट्रल है, इज फर्स्ट कनेक्टेड टू ए, उसको ए से छुआया हमने, टच किया, देन विद बी, बी से टच किया एंड देन रिमूव, वहां से हटा दिया। अब हमें फाइनल चार्जेस निकालने तीनों पर, कि फाइनल चार्जेस कितने कितने होंगे। तो टोटल चार्ज 2q है ए के पास और बी के पास मिलाकर, तो फाइनल भी 2q ही होना चाहिए। कंसेप्ट यह है कि अगर आइडेंटिकल मेटल के स्फीयर्स हैं तो चार्ज बराबर बराबर बांट लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं कैसे, ए को आपने टच कराया सी से, ए के पास q था, सी के पास 0, आधा आधा बांट लेंगे, ए के पास q बाय 2 रहेगा, अब सी के पास q बाय 2 आ गया। अब इस सी को आप टच करते हैं बी से, सी के पास q बाय 2 है, बी के पास q है, दोनों के पास कुल मिलाकर q प्लस q बाय 2, 3q बाय 2 है, आधा आधा बांट लेंगे तो b और c के पास बचेगा 3q बाय 4 एंड 3q बाय 4। तो जो फाइनल चार्जेस होंगे वो इस तरह से होंगे, a के पास q बाय 2, b के पास 3q बाय 4, c के पास 3q बाय 4। तीसरा जो प्रोसेस जिससे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो है इंडक्शन। हेडिंग लगाएं इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये एक फिनोमिना है, फिनोमिना की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इन गिवन बॉडी। क्यों होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय चार्ज बॉडी। पास में अगर आपने कोई चार्ज बॉडी लाकर रख दी है तो उसकी वजह से ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जेस रीअलाइन हो जाएंगे। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमिना है इसको हम कहते हैं इंडक्शन। एग्जाम्पल के लिए मेटल का स्फीयर है गिवन बॉडी, ये एबोनाइट या प्लास्टिक रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है, जब मैं मेटल के स्फीयर जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे माउंटेड है उसके पास ये प्लास्टिक रॉड लाता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे जो दूर चले जाएंगे तो यहां बचेंगे पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलेंगे मेटल के स्फीयर में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। बट हम जानते हैं टेम्परेरी है, अगर मैंने इस रॉड को यहां से हटाया तो ये फिर से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर हम चाहते हैं इंडक्शन का इफेक्ट परमानेंट हो तो हमें मदद लेनी होगी एक और कंडक्टर की, जैसे कि एनसीईआरटी में भी समझाया हुआ है और मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिगर ए में आप देखें दोनों कंडक्टर ए और बी कॉन्टेक्ट में है, फिर बी में हम क्या करते हैं पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यहां पास में लाए, अभी भी ये कॉन्टेक्ट में है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होकर नियर बाय फेस पे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए कंडक्टर में, तो फार्दर दूर वाली सरफेस पे पॉजिटिव बचेगा।
थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, दोनों के बीच गैप क्रिएट कर दिया, ए और बी के बीच गैप क्रिएट कर दिया, तो अब इनमें चार्ज ना तो आ सकता ना जा सकता, आने जाने का रास्ता खत्म। रॉड अभी भी यही मौजूद है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट होकर इधर है, तो यहाँ जो पॉजिटिव होगा वो इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बोले यहाँ जो पॉजिटिव होगा नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज था सिंपली हमने दिखाया समझने के लिए ऐसे ही है कि बीच में गैप क्रिएट कर दिया, तो ए के पास नेट नेगेटिव चार्ज रह गया, बी के पास नेट पॉजिटिव रह गया, अलग अलग नेचर का चार्ज इनके पास रह गया। नेक्स्ट स्टेप में हम रॉड को हटा देते हैं, रॉड को हटाते ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होकर नियर बाय फेस पे आ जाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन में एक बात आप समझ लें, पॉजिटिव कहीं भी आता या जाता नहीं, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब भी चलेंगे एटम में इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवेबल, इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस में घूम सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर है और यहाँ कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है, तो पॉजिटिव आता जाता नहीं, बस इलेक्ट्रॉन चले गए तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन आगे तो बोलेंगे नेगेटिव चार्ज हो गया। रॉड को हमने हटा दिया है और नेक्स्ट फाइनल स्टेप में हम इन दोनों के बीच का गैप बढ़ा देते हैं, तो वो जो पोलराइजेशन था वो खत्म हो गया, नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए पर, पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बी पर, यानी इंडक्शन का परमानेंट इफेक्ट आ गया, दूसरी दोनों बॉडीज पर चार्ज एग्जिस्टेंस में आया, इसको भी इंडक्शन कहेंगे, और पहले जो दिखाया डायग्राम उसको भी इंडक्शन कहेंगे। अगर हम अर्थ की मदद लेते हैं, एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जांपल है, तो भी हम परमानेंट इफेक्ट ला सकते हैं इंडक्शन का, मेटल का स्फीयर इंसुलेटिंग स्टैंड पे माउंटेड, नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड मैंने पास ला के रखी, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इंडक्शन तो हो गया, हम चाहते हैं परमानेंट इफेक्ट हो, एक एंड को अर्थ से कनेक्ट किया, ग्राउंडेड किया, अर्थ के लिए हम मानते हैं कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, अर्थ इज गुड कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी, कितना भी चार्ज अर्थ को दे दो, कितना भी चार्ज अर्थ से ले लो, उसके पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं अर्थ कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है, कितने भी ले सकती है, तो आप यहां समझ सकते हैं अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जा भी सकते हैं, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो अर्थ में चले गए, अर्थ में चले गए तो नेट पॉजिटिव चार्ज बचा भी इसके पास। नेक्स्ट स्टेप में हमने अर्थ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये जो नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है इन पॉजिटिव चार्जेस को खींच कर रख रहे हैं अपने पास, अट्रैक्ट करके, तो खींच के रख रही है, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बंधा हुआ है इसके अट्रैक्शन में, बाउंड चार्ज, जबकि वो जो नेगेटिव था ये इलेक्ट्रॉन ये फ्री थे जाने के लिए, तो उनको बोलेंगे हम फ्री चार्ज, तो यहां से इंट्रोड्यूस होता है कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। नेक्स्ट स्टेप में हम रॉड को हटा लेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एनसीईआरटी में जो डायग्राम बने हुए हैं ये अप टू स्केल नहीं है, यानी यहां दिखाए थे 1, 2, 3, 4, यहां आपको दिखा दिए ज्यादा पॉजिटिव, पर इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जस्ट समझना है कि अब ये स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आप चाहें तो लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं जिसमें चार पॉजिटिव दिखा सकते हैं। जो चार्ज इंड्यूस होता है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में फर्स्ट फॉर्मूला यहां इंट्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इंड्यूस चार्ज क्यू डैश होता है माइनस क्यू टाइम्स 1 - 1/k, जहां पर क्यू है इंड्यूसिंग चार्ज, ये आपको नोट करना है, कैपिटल के है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, इसको आगे हम सीखेंगे समझेंगे, इस के की वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। स्टेटिक स्टेट में अगर बात करें तो एयर या वैक्यूम के लिए 1 जबकि मेटल्स के लिए इन्फिनिटी, तो यहां अगर मैं लगाता हूं मेटल के स्फीयर तक के वैल्यू इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0, तो q डैश इक्वल टू माइनस q, तो अगर ग्लास रॉड पर 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव है तो सिर्फ उधर जो है मेटल के स्फीयर पर 4 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इंड्यूस चार्ज अगर मैं डायग्राम लॉजिकली बनाता तो उतने ही चार्ज दिखाता। हाँ, अगर प्लास्टिक की शीट है सपोज जिसके लिए के इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं 4 यूनिट चार्ज वाली ग्लास रॉड को लेकर आता हूं तो यहां लिखूंगा 4 और ये माइनस साइन हो गया 1 - 1/2, यानी जो इंड्यूस होगा चार्ज वो आधा ही होगा 4/2 और माइनस का साइन, यानी -2 यूनिट चार्ज इंड्यूस हुआ दिखाएंगे लॉजिकली। तो ये फॉर्मूला है विदाउट डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हालांकि डिराइव कर सकते हैं पर जरूरत नहीं। तो बच्चों यहां से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट
आज के लेक्चर में आपने सीखा और क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सीखे, जो हेडर पे लिखा था वो रिविजन ज्यादा करना है उसका। पिछली बार आपने लिखा था रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, फिर से आप हेडर पे जाइए और नोट कीजिए, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज बट नॉट इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, सिर्फ बॉडीज में होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता इंडक्शन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं और इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, आउटकम या रिजल्ट, वो ये है। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी आपको स्टार मार्कर के मेन में लिखना है, टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल, क्योंकि पॉइंट्स में इंडक्शन नहीं होता तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल, बट टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज मे अट्रैक्ट ईच अदर। कंडीशन है बच्चों साथ, सुनने में अटपटा सा लगता है कि सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट, तो मे वर्ड है, हो सकता है अट्रैक्शन उनके बीच। कैसे समझते हैं, मान लो एक बॉडी के पास 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव है, दूसरी बॉडी के पास 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव है, जब आप इन्हें पास लाएंगे तो ये एक दूसरे पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस करेंगे, 4 वाली के पास 2 यूनिट नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और 2 वाली के पास छोटी छोटे चार्जेस के कम चार्ज है, 4 यूनिट ऑफ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, कुछ चार्जेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर देंगे, बाकी जो बचे उसमें आप डायग्राम बनाकर देख सकते हैं कि नियर बाय पास पास में जो है अपोजिट नेचर के चार्ज बचेंगे, दूर दूर सेम नेचर के चार्ज बचेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो करता है। तो अपोजिट नेचर के चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच डिस्टेंस कम है, सेम नेचर के चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्शन से ज्यादा होगा। तो सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। अगर आपको ओरली समझ में आ गया तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इसको विजुअलाइजेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, पर प्रीवियस लेक्चर्स जो मेरे हैं, जो जिस पर मैंने बोर्ड पर पढ़ाया है, वहां से आप रेफरेंस देख सकते हैं, इसका सब कुछ सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में तो नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2 में, ये कंसेप्ट जो मैंने डिलीवर किया सेशन 2018-19 में। तो आप मेरे चैनल पर जाकर डिफरेंट प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां पर इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, गेट रेडी फॉर अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर टुमारो, फिर मिलते हैं कल, थैंक यू।